हेलो गाइस, आई एम जगवीर शोकन और आप सभी लोगों का एक बार फिर से हिंदी बोलेगी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। डीएनए टेस्ट का नाम आते ही सब लोगों के दिमाग में एक ही चीज दौड़ती है कि डीएनए टेस्ट इसलिए करवाया जाता होगा ताकि ये पता लगाया जा सके कि किसी बच्चे का असली बाप कौन है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डीएनए टेस्ट क्या है, ये कैसे और क्यों करवाया जाता है, क्या डीएनए टेस्ट करवाने के लिए किसी कोर्ट की परमिशन लेने की जरूरत पड़ती है, या डीएनए टेस्ट कोई भी कहीं भी या कभी भी करवा सकता है। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरूर दबा लें ताकि आपको हमारे इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए टेस्ट एक प्रकार की मेडिकल प्रक्रिया है जिसमें यह पता चलता है कि कोई व्यक्ति किसी विशेष बच्चे का बाप है या नहीं। डीएनए टेस्ट से ही बच्चे के असली माँ बाप का पता चलता है। जब किसी व्यक्ति विशेष को यह शक होता है कि यह बच्चा उसका है भी या नहीं, तो वो बच्चे का और अपना डीएनए टेस्ट करवाकर यह पता लगा सकता है कि वो बच्चा किसका है। एक डीएनए में बच्चे के शरीर की पूरी जानकारी मौजूद होती है। डीएनए एडनीन, साइटोसिन, गुआनिन और थाइमिन से मिलकर बना होता है। डीएनए के द्वारा ही हम दो लोगों के बीच में जो फर्क होता है उसका पता कर सकते हैं। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसको अपने माँ बाप से 46 क्रोमोसोम मिलते हैं। इंसान का शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जब हम किसी एक कोशिका को खोलकर देखते हैं तो उसके अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है जिसे हम नाभि भी कह सकते हैं, और जब हम न्यूक्लियस को खोलेंगे तो उसके अंदर 46 क्रोमोसोम मौजूद होते हैं। डीएनए अपने अंदर जेनेटिक मटेरियल यानी आनुवंशिक गुणों को स्टोर करके रखता है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करता रहता है। डीएनए में पूरे शरीर की इंफॉर्मेशन छुपी होती है, जैसे कि हमारी आंखें कैसी होंगी, हमारे बाल कैसे रंग के होंगे, हमारे शरीर का क्या आकार होगा, हमारी त्वचा या हाथ पैर कैसे दिखेंगे, ये सब जानकारी एक डीएनए में स्टोर होती है। डीएनए की वजह से ही जो गुण माँ बाप में होते हैं वही बच्चे को मिलते हैं, जैसे कि हमारे शरीर की हाइट या आकार आदि। डीएनए टेस्ट करने के लिए डॉक्टर आपके मुंह से सलाइवा या लार के सैंपल भी ले सकते हैं, या डीएनए टेस्ट ब्लड सैंपल लेकर या बाल या नाखून के सैंपल लेकर भी किया जा सकता है। डीएनए टेस्ट प्राइवेट और सरकारी दोनों में से किसी भी लैब में करवाया जा सकता है, और डीएनए टेस्ट करवाने में 10,000 से 12,000 रुपए का खर्चा आता है, और डीएनए टेस्ट का रिजल्ट सैंपल के 2 दिन बाद आता है। और सबसे मुख्य बात यह है कि डीएनए टेस्ट करवाने के लिए कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ती है, कोई भी मुंह उठाकर डीएनए टेस्ट नहीं करवा सकता। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी। कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सबको पता चल पाए कि डीएनए टेस्ट कैसे करवाया जाता है। धन्यवाद दोस्तों।